जाते हैं इन पहाड़ों में, बहुत जगह है इनको छुपने के लिए, कभी भी किसी टाइम भी आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक का नया खेल, घाटी में दहशतगर्दी की सनसनीखेज साजिश, आतंक का नया गेम प्लान बेनकाब। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंक का फन जब जब उठने की कोशिश करता है, भारतीय सेना के जाबाज उसे कुचलने का काम करते हैं। आतंकी जब जब किसी नई साजिश को अंजाम देते हैं, भारतीय सेना के जवान उस साजिश की धज्जियां उड़ा देते हैं। टेरर ब्रिगेड जब जब देश की संप्रभुता को टारगेट करती है, तब तब भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देती है। और सेना के इसी एक्शन ने पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दी के आकाओं को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। ये सच आपको चौंका देगा, क्योंकि अभी तक जम्मू कश्मीर में आतंकी एक पारंपरिक पैटर्न के तहत हमले कर रहे थे, लेकिन सेना की ऑपरेशन ऑल आउट का असर ये हुआ कि आतंकियों ने हमले का फॉर्मूला ही बदल दिया, और अब ये फॉर्मूला मारो और भागो यानी हिट एंड रन में तब्दील हो चुका है। बीते कुछ महीनों में सेना को आतंकी स्ट्रेटजी में आए बदलाव का साफ पता चला है। आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। सेना को यह भी पता चला है कि दहशतगर्दी की इस नई प्लानिंग में आतंकियों ने जंगलों को अपना सेफ हाउस बनाया है। यानी एक ऐसी जगह जहां आतंकी किसी वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से छिप जाते हैं और देश के सुरक्षा बल की नजरों से बचे रहते हैं। आखिर आतंकियों ने अपनी रणनीति क्यों बदली? क्यों वो जंगलों को सेफ हाउस बना रहे हैं? क्यों हिट एंड रन की रणनीति को अपना रहे हैं? इस खबर से जुड़ी एक एक जानकारी, एक एक फैक्ट हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। नब्बे के दशक से अब तक जम्मू कश्मीर में सैकड़ों आतंकियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। आतंकियों के कई मिशन क्रैक करके उन्हें धराशायी किया जा चुका है, लेकिन इस बार सेना के सामने नई चुनौती है, और वो चुनौती है उन आतंकियों से निपटना जो हिट एंड रन की रणनीति के सहारे सुरक्षा बल और सिविलियन को टारगेट करते हैं और गीदड़ों की तरह जंगल की तरफ फरार हो जाते हैं। आतंकवाद की सबसे नई क्रोनोलॉजी, आईएसआई के गुर्गों का सबसे नया पैटर्न, दहशत का खेल, आतंक की नई ट्रेन। जम्मू कश्मीर में आखिर कैसे आतंकियों ने हमलों का पैटर्न बदला है, कैसे उन्होंने छिपने की जगहों को बदला है, किन लोगों के सहारे आतंकी दहशत का खेल खेल रहे हैं और किस नई तकनीक के सहारे वो अपने मकसदों को पूरा करने में जुटे हुए हैं, एक एक सवाल का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलने वाला है।
लेकिन उससे पहले जम्मू डिवीजन के इस नक्शे को देख लीजिए। राजौरी, पुंछ, डोडा, उधमपुर, रियासी, कठुआ, किश्तवाड़, रामबन, ये वो इलाके हैं जो इस वक्त आतंकियों के सबसे पसंदीदा ठिकाने माने जा रहे हैं। बार बार सेना के हाथों मुंह खाने के बाद आतंकियों ने इन जगहों को इसलिए चुना है क्योंकि भौगोलिक स्थिति बेहद दुर्गम है। जम्मू संभाग के इलाकों का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी और बेहद घने जंगलों से घिरा है। यहाँ जंगल और प्राकृतिक गुफाओं की भरमार है। यहाँ के जंगल इतने घने हैं कि पलक झपकते ही हाथी गायब हो जाए। हाँ, पहाड़ी इलाका है क्योंकि दरख्त बहुत है, दिखते नहीं ना, आर्मी तो गई है ऊपर, छुपते छुप जाते हैं इन पहाड़ों में, बहुत जगह इनको छुपने के लिए। तो आप लोगों के लिए कितना डर बन जाता है क्योंकि आपके पास तो हथियार भी नहीं है ना कुछ है? हमारे लिए तो बहुत ज्यादा डर है कि रात को हम इधर होते हैं, कोई कुछ कभी भी किसी टाइम भी आ सकते हैं। हाल के दिनों में आतंकियों ने जम्मू संभाग के ही डोडा जिले को अपनी हिट एंड रन वाली रणनीति के तहत इसीलिए चुना है क्योंकि डोडा एक बेहद बड़ा इलाका है। एरिया में डोडा लगभग कश्मीर के बराबर समझ लीजिए। ये पूरा इलाका पहाड़ी है और बेहद घने जंगलों से घिरा है। इसका एक किनारा हिमालय से मिलता है जबकि दूसरा कठुआ और रियासी से। यहाँ ऐसी गुफाएं हैं जहाँ बेहद आसानी से छिपा जा सकता है। यहाँ जंगल इतने घने हैं कि एरियल सर्वे भी बेहद मुश्किल है। ऐसे में आतंकी यहाँ आसानी से छिप जाते हैं। ये जो टेररिस्ट हैं, ये हिट एंड रन टैक्टिक्स फॉलो कर रहे हैं, जंगलों में छुपते हैं और रैकी करते हैं, सर्विलेंस रखते हैं और जब मौका लगता है घात लगाकर अटैक करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये न्यू टैक्टिक्स टेररिस्ट फॉलो कर रहे हैं और हमारी फौज, हमारी CAPF, हमारी पुलिस ये इसको अच्छी तरह जानती है और इनके पीछे लगी है। बहुत जल्दी इनका खात्मा कर दिया जा सकता है। आतंकियों ने दूर दराज के इलाकों और जंगलों को इसलिए भी चुना है क्योंकि यहां से घात लगाना और रेकी करना आसान हो जाता है, साथ ही हमला करके छिपने का मौका भी यहां आसानी से मिल जाता है। यही वजह है कि इन इलाकों में आतंकी हिट एंड रन वाली नीति पर साजिशों को अंजाम देने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। हर पहाड़ी के ऊपर हमारा कंपनी पोस्ट, वो कंपनी पोस्ट पेट्रोलिंग करता था आसपास के इलाके में, वो ऑपरेशंस करता था, उसके इंटेलिजेंस सोर्सेज हर कंपनी के थे, उनके गांव में उन्होंने अपने जो है वो सोर्स बना रखे थे, तो उनको खबर हो जाती थी कि कुछ आ रहा है, कोई आया है और वो एकदम सतर्क हो जाते थे। दावा किया जा रहा है कि इस हिट एंड रन वाली रणनीति के तहत पाकिस्तान से आए 50 से 60 आतंकियों ने जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में पहाड़ी और जंगलों के इलाकों में अपने ठिकाने बना लिए हैं। ये आतंकी हमला करो और भागो की नीति पर अपने मिशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। खबर तो ये भी है, अफगानिस्तान से आए ये आतंकी इतने ट्रेंड हैं कि दुर्गम रास्तों पर भी इनकी चाल बेहद तेज होती है और ये देखते ही देखते आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। सुरक्षा बल के रेडार से बचने के लिए ये आतंकी VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के सहारे ऐप का इस्तेमाल भी करते हैं जिससे आतंकी संदेश के साथ साथ अपनी लोकेशन भी एक दूसरे को भेजते हैं, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाती। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये आतंकी अमेरिका में बनी M4 राइफल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऐसी राइफल है जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेदने में सक्षम है। खास बात यह है कि इन आतंकियों का मकसद हाई वैल्यू यानी बड़े चेहरों को टारगेट करना है ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां मिल सकें। यही वजह है कि इन आतंकियों पर नकेल कसने के लिए सेना भी नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। आतंक के खिलाफ इन मोर्चों पर हेलीकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर और इजराइल के ड्रोन हेरॉन को लगाया गया है जो आतंकियों के खिलाफ सेना की मुहिम को धार दे रहे हैं। The presence of FTs in Jammu and Kashmir, especially in the Jammu region. Right. Now, how did they come in and is this a different challenge altogether? I'll come to the local recruitment in a bit, the silver lining in a bit, but the FTs first. Since last about 3-4 months, I think a major push was made from the side of the adversary, trying to explore every bit of gap. There are places where we have plains but which are amenable to tunnels. There are riverines which are amenable to flash floods and then gaps. There are then jungles and the forests and the snow
bound areas. So it's a vast stretch of territory, taking advantage of the weather, of the fog, the forest, the cover, the foliage, the weather. There are several factors which keep changing from sector to sector. In certain parts of the year, some sectors become more amenable, and at other times of the period, there are different varying situations. So the other side, I think, has really tried to work very hard. एक कहावत है कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के इन आतंकी गीदड़ों ने जंगलों का रास्ता चुना है, जहां सेना की बंदूकें उन्हें उनकी गुफाओं से खदेड़ने और मौत की नींद सुलाने के लिए लगातार लगी हुई हैं।